Hello students, today we are going to read chapter number 10 of English, that is Tilakshita Mahinsa Bandhanam. It is a word of English, in Sanskrit Tilakshita Mahinsa Bandhanam. In words ka meaning kya hai? Ye hum is chapter mein aaj read karenge. So let's see. So Krishna Dev Arya was a great and kind king of Vijayanagar. Krishna Dev Arya Vijayanagar ke bahut hi mahan aur दयालु राजा थे. ही हैड मैनी लर्न स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट. उनके दरबार में बहुत से विद्वान थे. दे कुड डिबेट ऑन एनी टॉपिक एंड फाइंड आंसर्स. वो किसी भी टॉपिक पर बहस कर सकते थे और उनका आंसर ढूंढ सकते थे. बहस का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्हें कोई टॉपिक दे दिया जाता था तो वो क्या है, उससे क्या रिलेशन है, यह सब चीज़ें उसके आसपास की फाइंड आउट कर लेते थे. कृष्णदेव आर्य वॉज फाउंड प्राउड ऑफ देम. कृष्णदेव आर्य को उन सब पर गर्व था. तेनाली रमन एज ही वॉज नोन वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कोर्ट जेस्टर ऑफ द एम्परर कृष्णदेव आर्य. तेनाली राम जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाते थे, दरबार के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट विद्वान माने जाते थे कृष्णदेव आर्य के शासन में. नॉट ओनली वॉज He that courted gesture, but also he played a advisor to the king on many occasions and helped Krishna Dev Arya come out of difficult situations and save the reputation of the kingdom. उन्होंने केवल अपने दरबार में जो उनके जो दरबारी होते हैं उनके जो काम होते हैं वही करने का उनका काम नहीं था, बट वो राजा को टाइम टू टाइम एडवाइज भी करते थे. कई मौक़ों पर उन्होंने कृष्णदेव आर्य को ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर भी निकाला है, जिसमें वो कोई ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ की या उनके राज्य की, तो उनसे उन सिचुएशन से ये तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से उनको उस सिचुएशन से बाहर भी निकाला है और उनके राज्य की जो इज्जत थी उसको भी बचाया है. सो Once a scholar from another town visited Vijayanagar Empire. एक दिन एक बाहर के दूसरे टाउन का एक स्कॉलर विद्वान विजयनगर में घूमने आया. The emperor as usual welcomed the learned man and inquired about the purpose of his visit to his palace. तो राजा ने उनका हमेशा की तरह, हमेशा जिन लोगों का हमेशा जैसे लोगों का स्वागत करते हैं उसी तरीके से उनका भी स्वागत किया और उस विद्वान आदमी से पूछा कि तुम्हारा हमारे महल में आने का क्या कारण है, क्या पर्पस है. द स्कॉलर हु हैड टू लुक ऑफ एरोगेंस सेड. जो विद्वान था जो दूसरे टाउन से आया था उसने बड़े ही घमंड से देखा और कहा, वेल योर मेजेस्टी आई हैव हर्ड दैट यू हैव मैनी लर्न स्कॉलर इन योर किंगडम. महाराज मैंने सुना है कि आपके राज्य में बहुत ही विद्वान हैं. आई वुड लाइक टू हैव अ डिबेट विद देम ऑन एनी लिटरेरी वर्क दे चूज. मैं उनके साथ डिबेट करना चाहता हूँ और वो भी किसी भी लिटरेरी वर्क, मतलब किसी भी ज्ञान की बात पर जो कि वो खुद चुने. You see, as to what work is chosen for, I have read all the literary works that are available. आप देखना मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने क्या टॉपिक चूज किया है. मैंने सभी ज्ञान की बातों के बारे में सुना है, ज्ञान के काम के बारे में सुना है जो भी इस संसार में अवेलेबल थे. And if your man defeat me, I shall surrender all my titles, whereas if I defeat them, they should become my स्लेव्स. अगर उन्होंने मुझे हरा दिया, मतलब आपके राज्य में जो भी विद्वान है उसने मुझे किसी भी टॉपिक पर डिबेट में हरा दिया, तो मैं अपने टाइटल्स, मुझे जितने भी आज तक प्राइजेस मिले हैं, जितने भी मुझे मेरे नाम मुझे मिले हैं, जैसे कि मुझे किसी ने बहुत ही महान या बहुत ही ज्ञानी होने के जो टाइटल्स या नाम दिए हैं, वो सारे मैं क्या है आपके उस पर्सन के सामने डाल दूंगा, सरेंडर कर दूंगा जो भी मुझे हरा देगा. बट अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो उन सबको मेरे आगे हमेशा नौकर बनकर रहना पड़ेगा.
कैन एनी ऑफ योर स्कॉलर डिबेट विद मी, क्या आपका कोई भी विद्वान मेरे साथ डिबेट कर सकता है? सो द एम्परर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लर्न्ड मैन एंड एग्री टू द कंडीशन एंड ऑर्डर लेट द डिबेट टेक प्लेस टुमारो। तो एम्परर ने कॉन्फिडेंस के साथ, एम्परर को, राजा को अपने विद्वानों पर कॉन्फिडेंस था और उन्होंने ये बात उसकी मान भी ली कि ठीक है, मुझे तेरी सारी कंडीशंस और ऑर्डर, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस पसंद आई और उन्होंने ऑर्डर दिया अपने विद्वानों से कि कल एक डिबेट होने वाला है। However, the arrogance of the scholar was luring the confidence of the learned man of the court, and they feared that they would be easily defeated. जो ये स्कॉलर, ये विद्वान व्यक्ति बाहर से आया था, उसका घमंड देखकर जो राजा के दरबार में जो विद्वान थे, उन सबका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, डाउन हो गया, और उनको ये डर था कि वो तो आसानी से ही हार जाएंगे। दे मेट द एम्परर एंड विद ग्रेट एप्रीहेंशन टोल्ड हिम अबाउट देयर अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो वो सब क्या है, राजा से मिलते हैं बड़े बड़े प्रार्थना के साथ कि राजा, हम में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हम इसके साथ डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाए। सो कृष्णदेव आर्य वॉज फ्यूरियस। कृष्णदेव बहुत ही हैरान से हो गए। इज देयर नोबडी टू टेक ऑन हिज ऑन दिस स्कॉलर, कि कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है। ही रोड इन एंगर, उनको गुस्से में उन्होंने चिल्लाए, इज माई एम्पायर स्टार्व ऑफ लर्न्ड मैन, कि मेरा जो राज्य है क्या वो विद्वान लोगों से सूखा है, मतलब उनमें विद्वान लोगों की कमी है। इज इट नॉट अ शेम टू द एम्पायर दैट वी डू नॉट हैव वन सिंगल पर्सन टू डिबेट विद दिस स्कॉलर। तो क्या हमारे राज्य की या हमारे ये शासन की ये बेइज्जती नहीं है कि हमारे राज्य में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस विद्वान से डिबेट कर सके। ही सीथेड विद एंगर, वो गुस्से से लाल पीले हो गए। तेनालीराम हु वॉज प्रेजेंट वॉचिंग वट हैड हैपन स्टेप्ड फॉरवर्ड। तेनालीराम जो कि राजा के ही एक दरबारी थे, वो सब चीज़ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो आगे निकल कर आए। योर मजेस्टी ही हैड हमली, ही सेड हमली, उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, I will debate with you that scholar tomorrow. मैं इस विद्वान से कल डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। Do not worry. आप चिंता ना करें।